वेलकम टू स्टेप अप आईएएस, स्वागत है आप सभी लोगों का। आज है 7 फरवरी 2018 और हम हिंदू के एडिटोरियल्स को डिस्कस करने जा रहे हैं। एक ओवरव्यू लेते हैं कि ऐसे कौन से आर्टिकल्स हैं जो आज इम्पॉर्टेंट हैं। देखिए, ये आर्टिकल विंटर ओलंपिक्स से संबंधित है। यूं तो इस आर्टिकल में पॉइंट्स ऐसे नहीं जो कि हमारे मेंस में काम आ सके, हालांकि थोड़ी बहुत बातें हम विंटर ओलंपिक्स के बारे में ज़रूर जानेंगे। ये नीचे का जो आर्टिकल है ये पॉलिटिक्स से संबंधित है और हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है, तो हम इसे एलिमिनेट करेंगे। ये जो आर्टिकल है ये इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर के बारे में बात करता है और साथ ही उसको जोड़ता है मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ के साथ, तो इस पर भी हम डिटेल से चर्चा करेंगे। ये नीचे का आर्टिकल एलोकेशन ऑफ केसेस से संबंधित है। सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, उन्होंने एक नया मैकेनिज्म तैयार किया है कि केसेस को कैसे एलोकेट किया जाएगा, क्योंकि इसी मुद्दे पर कॉन्ट्रोवर्सी अभी कुछ दिन पहले क्रिएट हुई थी, तो इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। देखिए, इस पेज पर जो आज एक इंटरव्यू प्रकाशित किया गया है बिकॉज टुडे इज वेडनेसडे, तो वो इंटरव्यू ब्रेक्सिट पे है और महत्वपूर्ण नहीं है, तो हम इसे भी डिस्कस नहीं करेंगे। इसके अलावा ये जो नीचे आर्टिकल है ये भी महत्वपूर्ण नहीं है। हम अपने एथिक्स के कन्वेंशनल सेक्शन में जो अदर मॉडल्स हैं इमोशनल इंटेलिजेंस के, उनके बारे में चर्चा करेंगे। इसके अलावा जो हमारा इंटरव्यू का सेक्शन है वो भी कंटिन्यू रहेगा। तो आइए आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम बात कर लेते हैं कि आखिर ये विंटर ओलंपिक क्या होता है। देखिए, जो मॉडर्न ओलंपिक गेम्स हैं ये एक इंटरनेशनल स्पोर्टिंग इवेंट है जहां पर हर देश के जो स्पोर्ट पर्सन होते हैं वो जाते हैं और कम्पीट करते हैं। इसमें दो तरीके के ओलंपिक्स प्ले किए जाते हैं, एक तो समर ओलंपिक और दूसरा विंटर ओलंपिक। अब देखिए, विंटर स्पोर्ट्स समर स्पोर्ट्स से कुछ अलग होते हैं, जैसे कि कुछ आइस पर स्पोर्ट्स परफॉर्म किए जाते हैं। अब उनके लिए पहली बात तो सर्दियों का समय चाहिए और फिर स्पेसिफिक लोकेशन चाहिए। दूसरी बात ये कि ऐसी कंट्रीज जहां पर विंटर का सीजन नहीं होता, जैसे कि अफ्रीकन कंट्रीज या फिर लैटिन अमेरिकन कंट्रीज, साउथ अमेरिकन कंट्रीज या फिर एशिया की कुछ कंट्रीज, साउथ ईस्ट एशिया की कंट्रीज या साउथ एशियन कंट्रीज, जहां पर गर्मी होती है साल के अधिकतम समय में, वहां पर ये जो विंटर स्पोर्ट्स हैं वो कम प्रचलित होते हैं, उनके स्पोर्ट पर्सन भी कम देखने को मिलते हैं। तो ऐसे देशों के जो कंटेस्टेंट्स हैं, ऐसे देशों के जो स्पोर्ट पर्सन हैं, उस ओलंपिक में कम पार्टिसिपेट करते हैं या फिर नहीं करते हैं। तो विंटर स्पोर्ट्स को अलग कैटेगरी में रखकर उसका एक अलग कॉम्पिटिशन आयोजित करवाया जाता है। ये देखिए, जो ओलंपिक गेम्स अभी होते हैं ये इंस्पायर्ड हैं एंशियंट ओलंपिक गेम्स में, क्योंकि इनकी शुरुआत सबसे पहले जो ग्रीस की एक सिटी है ओलंपिया वहां हुई थी, इसीलिए इन्हें ओलंपिक गेम बोला जाता है। ये गेम्स काफी प्रचलित थे 8वीं शताब्दी BC से 4थी शताब्दी AD के बीच में, 8th century BC से 4th century AD के बीच में ओलंपिक गेम्स ग्रीस में प्ले किए जाते थे। इनका जो परफॉर्मेंस था, इनको जो ऑर्गेनाइज किया जाता था, वो बिल्कुल अभी की तरह हर 4 साल में एक बार किया जाता था। कुछ कहानियां हैं, ऐसा माना जाता है कि हरक्यूलिस और उनके पिता जो ज्यूस थे, उन्होंने काफी पैट्रोनेज दिया था अपने रूलिंग पीरियड में इन ओलंपिक गेम्स को। देखिए, मॉडर्न ओलंपिक की शुरुआत बैरोन पियरेडी कोबर्टिन के द्वारा की जाती है, जब वो फाउंड करते हैं एक इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी 1894 में, और उसके बाद से ही 1896 से ओलंपिक गेम्स की शुरुआत होती है। ये जो पियरे थे ये फ्रेंच एजुकेटर और हिस्टोरियन थे, इन्हें ओलंपिक गेम्स का फादर भी माना जाता है, मॉडर्न ओलंपिक गेम्स का फादर भी माना जाता है। हालांकि देखिए, वर्ल्ड वॉर के टाइम पे कुछ समय के लिए कई सारे ओलंपिक्स को कैंसिल किया गया, जैसे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जब 1914 से 18 के दौरान हुआ तो 1916 में जो ओलंपिक होने वाला था वो कैंसिल हो गया। सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो कि 1939 से 45 तक चला, उसके दौरान जो 1940 का और 1944 का ओलंपिक गेम था वो भी कैंसिल हो गया। इसके बाद जब ये वर्ल्ड वॉर खत्म हुए, एक नया वर्ल्ड ऑर्डर शुरू हुआ, तो कोल्ड वॉर की सिचुएशन बन गई USA और USSR के बीच में। उस कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन में भी जो पार्टिसिपेशन था वो काफ़ी लिमिटेड हो गया था 1980s और 1984 के गेम में, हालांकि उसके बाद लोगों ने काफ़ी ज़्यादा पार्टिसिपेट किया। विंटर ओलंपिक की बात करें तो पहला जो विंटर ओलंपिक था उसको 1924 में ऑर्गेनाइज किया गया था। तब देखिए, विंटर ओलंपिक और समर ओलंपिक दोनों एक साथ ऑर्गेनाइज एक ही साल में किए जाते थे, लेकिन 1992 के बाद ये डिसाइड किया गया कि हम अल्टरनेट कर देते हैं, मतलब एक बार विंटर ओलंपिक होगा, उसके 2 साल बाद समर ओलंपिक होगा, फिर 2 साल बाद विंटर ओलंपिक होगा। तो 1992 में समर और विंटर दोनों ओलंपिक ऑर्गेनाइज कराए गए, लेकिन उसके बाद 1994 में ही विंटर ओलंपिक ऑर्गेनाइज करवा दिया गया। दोनों ओलंपिक्स को इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ही ऑर्गेनाइज करवाती है, ये बात आप जानते रहिए, ठीक है। तो अभी की कंट्रोवर्सी है वो ये है कि साउथ कोरिया के प्योंगचांग सिटी में, जो कि वहाँ की एक काउंटी है, वहाँ पर विंटर ओलंपिक्स ऑर्गेनाइज किए जाने वाले हैं 9 फरवरी से। आप लोग यहाँ पर कंफ्यूज मत होइएगा, प्योंगयांग कैपिटल है नॉर्थ कोरिया की, प्योंगचांग जिसका पूरा नाम प्योंगचांग उन भी है, वो एक सिटी है साउथ कोरिया की। तो जो विंटर ओलंपिक्स ऑर्गेनाइज हो रहे हैं वो साउथ कोरिया में ऑर्गेनाइज हो रहे हैं, ना कि प्योंगयांग नॉर्थ कोरिया में, ठीक है। तो आप लोग कंफ्यूज नहीं करेंगे।
यहाँ पर देखिए, लास्ट टाइम जब ओलंपिक्स हुए थे रशिया में, तो स्टेट ऑपरेशनलाइज्ड डोपिंग के आरोप रशिया के ऊपर लगे थे, इसी वजह से उसे बैन कर दिया गया है। हालांकि अभी इस ओलंपिक कमेटी ने बोला है, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने बोला है कि वहां के जो इंडिपेंडेंट एथलीट हैं वो आ सकते हैं और पार्टिसिपेट कर सकते हैं, हालांकि वो रशिया को रिप्रेजेंट नहीं करेंगे, ना ही वहां का नेशनल एंथम प्ले किया जाएगा। यही कुछ कॉन्ट्रोवर्सी इस आर्टिकल में दी गई है, आप सामान्य जानकारी के लिए जानते रहिए, बाकी महत्वपूर्ण नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशनल इन्फॉर्मेशन की। ये पर्सनल गाइडेंस प्रोग्राम है जिसके लिए आप अप्रोच कर सकते हैं हमें। आप यहाँ पर एक एक्सपीरियंस कोच के सुपरविजन में अपनी तैयारी करते हैं, इंटेंस राइटिंग प्रैक्टिस करवाई जाती है, प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट करवाया जाता है जिसके लिए आपको एक टाइम मैनेजमेंट डायरी भी दी जाती है, प्रीलिम्स और मेंस की टेस्ट सीरीज आपके इस प्रोग्राम का हिस्सा होती है। इसके अलावा कुछ और भी टेस्ट होते हैं लाइक ओरल टेस्ट, ग्रुप टेस्ट और इंस्टेंट टेस्ट, जो कि काफी महत्वपूर्ण होते हैं। ठीक है, देखिए ये है टाइम मैनेजमेंट डायरी जिसे आपको रेगुलरली फिल करना होगा। फर्दर डिटेल्स के लिए आप इन नंबर्स पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आइए देखते हैं निबंध में आज हमारे पास क्या है। ऑस्कर वाइल्ड का ये एक स्टेटमेंट है, यू कैन नेवर बी ओवरड्रेस्ड और ओवर एजुकेटेड। देखिए ओवरड्रेस्ड होने का मतलब क्या है, समटाइम्स यू गेट अ मेकअप या फिर आप कुछ ऐसी ड्रेस पहनते हैं जिससे आपको ऐसा लगता है कि कुछ ओवर हो रहा है, बट एक्चुअली में आप कभी भी ओवरड्रेस नहीं हो सकते, बिकॉज व्हेन यू स्टार्ट फीलिंग दैट यू आर ओवरड्रेस्ड इट समटाइम्स जनरेट अ न्यू स्टाइल। देखिए एक व्यक्ति पहले एक फटी हुई जीन्स पहनता होगा, टॉर्न जीन्स पहनता होगा, तो वो फील कर सकता था कि ये वो व्यक्ति ओवरड्रेस्ड है, बट टुडे दैट इज द फैशन। ठीक है, ओवर एजुकेटेड होने का मतलब है कि जब कभी भी आपको ऐसा फील होगा कि आपके पास बहुत ज्यादा नॉलेज हो गई है, देन यू फील यू नो नथिंग, तब आपको महसूस होगा कि आप कुछ भी नहीं जानते। तो ऑस्कर वाइल्ड का, अगर आप किसी भी चीज को ओवरड्रेस्ड की लिमिटेशन में रखने का प्रयास करेंगे तो फैशन बंद हो जाएगा, अगर आप ओवर एजुकेशन की फीलिंग अपने अंदर रखने लगेंगे तो आपकी ग्रोथ रुक जाएगी। तो कोई भी व्यक्ति ना तो कभी ओवरड्रेस्ड हो सकता है और ना ही कभी ओवर एजुकेटेड हो सकता है, आप इस बात को अपनी समझ के हिसाब से कोट कर सकते हैं। अब आइए फिर एक एग्जाम्पल लेते हैं, जब कभी भी आप स्पोर्ट्स से रिलेटेड कोई निबंध लिख रहे हो, ऐसे लिख रहे हो, देखिए समटाइम्स थिंग्स आर नॉट एज सिंपल एज यू थिंक, कई बार चीजें उतनी आसान नहीं होती जितना आप सोचते हैं। युवा इंडिया टीम अंडर 14 ऑल गर्ल्स की जो टीम थी उसने प्रेस्टीजियस गैस्टीज कप स्पेन में जाकर जीता, हालांकि उन्हें थर्ड रैंक मिली, बट किसी ने सोचा नहीं था कि ये बहुत ही लोकेलिटी में रहने वाले लोगों की बच्चियों की एक टीम स्पेन में जाकर इस प्रेस्टीजियस कप में थर्ड रैंक ला पाएगी। एक्चुअली में उन्हें ऐसी अपॉर्चुनिटी भी नहीं दी जा रही थी कि वो जाएं। ये बच्चियां उमरांजी विलेज की थी रांची में, जो कि झारखंड में स्थित है, बहुत ही बैकवर्ड लोकेशन है, वहां के बच्चियों ने डिसाइड किया कि वो जाकर प्ले करेंगी स्पेन में और इंडिया के लिए कुछ करके आएंगी। लेकिन जब बात आई उन्हें पासपोर्ट देने की, तो एलिगेशंस तो ये भी लगे कि वहां के जो ऑफिसर्स थे, डिप्लोमेट्स थे, उन्होंने पासपोर्ट देने से मना कर दिया, इवन उन्हें स्लैप किया गया, उनसे काम करवाया गया। लेकिन जो उनके कोच थे, जो कि एक अमेरिकन थे फ्रेंच गैसलर, उनके प्रयासों से अल्टीमेटली वो स्पेन में गई, उन्होंने प्ले किया और इस ट्रॉफी को जीता। वहां के जो ऑर्गेनाइजर्स थे वो उन्हें सुपर गोट कहा करते थे। सुपर गोट इसलिए कहा करते थे क्योंकि वो अक्सर बिना जूतों के प्रैक्टिस करती हुई मिल जाती थी। कारण ये था कि उन सबके पास केवल एक ही पीस जूते थे और वो उसे प्रैक्टिस मैच में बर्बाद नहीं करना चाहते थे। तो कई बार चीजें थोड़ी टफ होती हैं लेकिन उनका रिजल्ट बहुत अच्छा होता है। ऐसे एग्जाम्पल्स आपके पास होने चाहिए ताकि आप उसे कोट कर सकें। ठीक है, तो आइए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं पहले आर्टिकल की, द मैन्युफैक्चरिंग मॉडल। पेपर 3 से टॉपिक को जोड़िए, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट वाले सेक्शन से, इंक्लूडिंग एम्प्लॉयमेंट। देखिए आर्टिकल कहता है कि जब तक हम जो लूप होल्स हैं कंज्यूमर डिमांड और सप्लाई के मैकेनिज्म में उसे फुलफिल नहीं करेंगे, तब तक ना तो हमें जीडीपी ग्रोथ अचीव होगी और ना ही हम जो जॉब है उसको क्रिएट कर पाएंगे। यूनियन बजट ने प्रयास किया कि इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर को एबॉलिश किया जाए। अब देखिए यहाँ पर यह जानना जरूरी है कि ये इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर होता क्या है, जब तक आप इसे नहीं जानेंगे तब तक आपको ये आर्टिकल समझ में नहीं आएगा। देखिए इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर का मतलब ये होता है कि इस टैक्स स्ट्रक्चर में अगर आप रॉ मटेरियल किसी देश से मंगाते हैं तो उस पर आपको ज़्यादा टैक्स ड्यूटी देनी पड़ेगी, जबकि अगर आप एक फिनिश्ड मटेरियल या रेडीमेड प्रोडक्ट मंगाते हैं तो उस पर आपको कम टैक्स देना पड़ेगा। अब यहाँ पर होता यह है, इससे नुकसान क्या होता है, नुकसान ये होता है कि जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन है वो खतरे में पड़ जाता है, बिकॉज यू कैन नॉट इंपोर्ट रॉ मटेरियल। कई सारी कंपनीज ऐसी होती हैं जिनको अपना सामान बनाने के लिए रॉ मटेरियल दूसरे देशों से मंगाना पड़ता है,
लेकिन वो उन्हें महंगा पड़ता है। अब अगर उन्होंने वो रॉ मटेरियल मंगा के महंगे दाम पर ज़्यादा टैक्स देकर अपने यहाँ प्रोडक्ट बनाया भी तो वो प्रोडक्ट महंगा बनेगा, जबकि बाहर से जो रेडीमेड प्रोडक्ट आ रहा है उस पर कम टैक्स है तो वो डोमेस्टिक मार्केट में आने के बाद सस्ता हो जाएगा। तो ये कंपनीज अपने मटेरियल के साथ, अपने प्रोडक्ट के साथ उस सामान से कम्पीट नहीं कर पाएंगी, तो ये दिक्कत हो जाती है। अब नाउ यू आर थिंकिंग कि आखिर गवर्नमेंट ऐसा करती क्यों है, वो इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर क्यों लगाती है, मतलब कि रॉ मटेरियल पे ज़्यादा टैक्स और रेडीमेड प्रोडक्ट्स पे कम टैक्स, ऐसा क्यों किया जाता है? देखिए, कई सारी कंट्रीज़ के साथ हमारे एग्रीमेंट होते हैं, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के कुछ हिस्से होते हैं, या फिर हम कोलैबोरेट करने के लिए ऐसे एग्रीमेंट करते हैं कि अगर आपका प्रोडक्ट आता है हमारी कंट्री में, ऐसे कई सारे जो कोलैबोरेशंस हैं, एग्रीमेंट्स हैं, वो हमारे साउथ एशियन और साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ के साथ है भी, जहाँ पर हम उनके रेडीमेड प्रोडक्ट्स को बहुत ही कम टैक्सेशन पर इंडिया में आने देते हैं और अपने मार्केट को ओपन रखते हैं, जबकि अगर रॉ मटेरियल मंगाना होता है तो वो महंगा होता है। तो ये जो ड्यूटी का स्ट्रक्चर होता है, टैक्स का स्ट्रक्चर होता है, दैट इज कॉल्ड इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर, मतलब उल्टा स्ट्रक्चर। जबकि होना तो ये चाहिए ना कि आप रॉ मटेरियल मंगाओ तो सस्ता हो, लेकिन रेडीमेड मटेरियल मंगाओ तो महंगा हो, ताकि जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन है वो इंक्रीज हो। लेकिन जब इसका उल्टा हो जाता है तो हम उसे कहते हैं इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर। अब देखिए, इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर के अलावा कुछ और प्रावधान हैं जो कि रेडीमेड प्रोडक्ट्स को इंडिया में आने पर थोड़ा सा चेक लगाते हैं। उसमें एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है कस्टम ड्यूटी का। कस्टम ड्यूटी क्या होती है, इसके बारे में भी आप जानिए, क्योंकि आर्टिकल में इसके बारे में नहीं जानेंगे तो दिक्कत होगी। देखिए, कस्टम ड्यूटी एक ऐसी ड्यूटी होती है जो कि लेवी की जाती है अगर आप इंडिया से कोई सामान बाहर भेजें या फिर बाहर से कोई सामान इंडिया में मंगाएं, दोनों पर कस्टम ड्यूटी इम्पोज की जाती है ताकि बैलेंस किया जा सके। जब चाहे हम कस्टम ड्यूटी को बढ़ाकर या तो इम्पोर्ट को चेक कर सकते हैं या फिर एक्सपोर्ट को चेक कर सकते हैं। देखिए, दो तरीके की कस्टम ड्यूटी लेवी की जाती है। एक को इम्पोर्ट ड्यूटी कहा जाता है, जब आप सामान बाहर से मंगाते हो तो टैक्स लगता है, और एक्सपोर्ट टैक्स, जब आप यहाँ से सामान को बाहर भेजते हो तब भी टैक्स लगता है, तो उसे एक्सपोर्ट टैक्स कहा जाता है। जीएसटी रिजीम की बात करते हैं, प्रेजेंट में इसका स्ट्रक्चर क्या है। देखिए, प्रेजेंट में दो मेजरली इम्पोर्ट ड्यूटीज हैं, मतलब अगर बाहर से सामान मंगाया जाता है तो उसे चेक करने के दो तरीके हैं। एक तो है बेसिक कस्टम ड्यूटी, जिसे आप बीसीडी कह सकते हैं, और दूसरा है इंटीग्रेटेड जीएसटी, आईजीएसटी। अगर आप बाहर से कोई भी सामान मंगा रहा है यहाँ का ट्रेडर, तो उसे आईजीएसटी पे करना पड़ता है, जिससे वो प्रोडक्ट थोड़ा सा महंगा हो जाता है और डोमेस्टिक प्रोडक्ट उस प्रोडक्ट से कम्पीट कर पाते हैं। हालांकि कुछ और भी ड्यूटीज लगाई जाती हैं, लाइक कंपनसेशन सेस, जैसे कि सेंटर ने ये अश्योर किया है सारे स्टेट्स को जीएसटी के अंतर्गत कि जो कुछ भी आपको नुकसान होगा हम उसे कंपनसेट करेंगे, तो उस चीज़ के कंपनसेशन के लिए इन प्रोडक्ट्स पर जो बाहर से मंगाए जा रहे हैं कंपनसेशन सेस भी इम्पोज किया जाता है। इसके अलावा सेफगार्ड ड्यूटी, कई बार हमें अपने डोमेस्टिक कंपनीज को बचाने की आवश्यकता होती है, इसके लिए हम इम्पोर्ट पर सेफगार्ड ड्यूटी लगाते हैं। इसके साथ ही साथ एंटी डंपिंग ड्यूटी भी इम्पोज की जाती है, अगर हम ये एश्योर हों कि जो प्रोडक्ट हमारी कंट्री में भेजा जा रहा है वो उनके डोमेस्टिक प्राइस से भी सस्ते दाम पर भेजा जा रहा है। इसका एग्जाम्पल क्या होता है, डंपिंग का मतलब ये होता है कि सपोज करिए कि चाइना की एक कंपनी है जिसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट जो स्टील की है वो 100 रुपये आती है, ठीक है, अपने देश में वो इसे 110 रुपये में बेच रहे हैं, लेकिन इंडिया में वो उसी प्रोडक्ट को 90 रुपये में एक्सपोर्ट कर रहे हैं। इसका मतलब उनका इंटेंशन साफ है कि वो इंडिया के मार्केट को डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं। इस कंडीशन में ये क्लियर है कि चाइना की वो कंपनी इंडिया में स्टील को डंप कर रही है, और इस कंडीशन में हम एंटी डंपिंग ड्यूटी इम्पोज कर सकते हैं। तो ये तो मतलब हुआ एंटी डंपिंग ड्यूटी का, कई बार इसको भी इम्पोर्ट को रोकने के लिए इम्पोज किया जाता है। तो कुछ बेसिक टर्म्स हो गए, जैसे कि इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर और कस्टम ड्यूटी इन इंडिया। तो अब ये आर्टिकल पे चर्चा करते हैं। देखिए, बजट में कस्टम ड्यूटी को सिग्निफिकेंटली इंक्रीज किया गया। कस्टम ड्यूटी कैसी कस्टम ड्यूटी, वो कस्टम ड्यूटी जो कि इंपोर्ट पे लगती है, क्यों, ताकि हम अपनी डोमेस्टिक कंपनीज को थोड़ा सा इनकरेज कर सकें। देखिए, चाइनीज और बहुत सारी जो कंट्रीज की कंपनीज हैं वो बहुत सारा सामान इंडिया में भेज देते हैं, जिससे इंडिया के स्मॉल और मीडियम साइज के जो एंटरप्राइजेस हैं वो उनसे कम्पीट नहीं कर पाते, और हमारी जो खुद की मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं वो डाउनफॉल में चली जा रही हैं। देखिए, इसमें कोई सरप्राइज नहीं है कि मैन्युफैक्चरिंग का जीडीपी में और एम्प्लॉयमेंट में 1991 के बाद जो शेयर है वो बढ़ा नहीं है, बहुत कम पेस में बढ़ा है। देखिए, जीएसटी के इम्प्लीमेंट होने के बाद, स्पेशली आईजीएसटी और जिसे हम इंटीग्रेटेड जीएसटी भी कह सकते हैं, इसके कंपोनेंट के बाद हैज़ बिगिन टू इरोड द एडवांटेज दैट द आईडीएस वाज गिविंग टू फॉरेन एक्सपोर्टर इन इंडियन मार्केट। मतलब कि इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर से जो फायदा काफ़ी लंबे समय से इन एक्सपोर्टर्स को मिल रहा था, जो दूसरे देशों के थे और इंडिया में मार्केट को, इंडिया के मार्केट में अपने सामान को भेजा करते थे, आईजीएसटी लगने के बाद उनको थोड़ा बहुत नुकसान तो हुआ है, जिससे उनका सामान इंडिया में महंगा आता है और इंडिया की कंपनीज को थोड़ा सा फायदा हो जाता है। फाइनेंस मिनिस्टर ने बजट 2014 में अनाउंस किया था कि आईडीएस को अब कम किया जाएगा, इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर को अब कम किया जाएगा, ताकि जो रॉ मटेरियल है वो आसानी से इंडिया में आ सके और जो रेडीमेड प्रोडक्ट्स हैं उनको आने में दिक्कत हो, और आईडीएस को इलेक्ट्रॉनिक्स,
के फील्ड में थोड़ा सा कम किया गया ताकि इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट इंडिया में और अच्छे से बन सके। इसके अलावा कई सारे और सेक्टर्स जो कि इससे काफ़ी एडवर्सली हिट थे, नुकसान में थे, उनको भी इनकरेज करने का प्रयास किया गया। अब देखिए, चाइना को काफ़ी एडवांटेज है इस फील्ड में, जबकि हमारे यहाँ इन्वर्टेड ड्यूटी का स्ट्रक्चर है। देखिए, वहाँ पे चाइना ने क्या किया, उसने अपनी स्ट्रेटेजिक इंडस्ट्रियल पॉलिसी बनाई, जिसके तहत उसने लेबर इंटेंसिव मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्ट को बढ़ावा दिया। मतलब ऐसे प्रोडक्ट्स को बनाया जिनको वो एक्सपोर्ट कर सकें और उससे उनके वहाँ लेबर फोर्स जनरेट हो, उनके यहाँ जॉब्स बढ़ें। अब इससे फ़ायदा क्या हुआ, देखिए इंडिया ये काम नहीं कर पाया, इंडिया का जो पॉलिसी स्ट्रक्चर था वो इस काम को करने में फेल हो गया। हम इस बात का फ़ायदा अपने लेबरर्स को नहीं दे पाए और इंडिया में जॉब्स की स्कैसिटी बनी रही। इसका रिजल्ट क्या हुआ, इसका रिजल्ट ये हुआ कि चाइना में जो एब्सोल्यूट नंबर एंड परसेंटेज ऑफ पॉवर्टी थी वो बहुत तेजी से गिरी और वहां पर सरप्लस लेबर की शुरुआत हुई, वहां पर जॉब्स बढ़ी, जबकि इंडिया में जो पॉवर्टी का रिडक्शन था वो बहुत ही धीमी गति से हुआ। इसका महत्वपूर्ण कारण क्या था, कारण ये था कि चाइना ने हायर एग्रीकल्चरल और रूरल इनकम ग्रोथ पाई, उसने एग्रीकल्चर और रूरल इनकम पे फोकस किया, जबकि इंडिया जॉब्स का कंस्ट्रक्शन नहीं कर पाया और 2000 के बाद हम वो डिजायर्ड गोल नहीं पा सके जिसकी हम एक्सपेक्टेशन रखते थे। देखिए, ग्रोथ ऑफ मैन्युफैक्चरिंग जॉब्स नॉट ओनली फर्स्ट लोड आफ्टर 11-12 बट ऑल्सो बिकम निगेटिव। 11-12 के बाद तो जो ग्रोथ थी वो कम हो गई, निगेटिव हो गई, मतलब जितने लोग जॉब्स की डिमांड कर रहे थे उतनी जॉब्स भी हम क्रिएट नहीं कर पा रहे थे, तो जॉब ग्रोथ निगेटिव में चली गई 11-12 के बाद। उस पर काफी क्योस अभी भी मचा हुआ है, ठीक है। कस्टम ड्यूटीज हैव बीन रेज्ड ऑन कैपिटल गुड्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, इसके लिए प्रयास किया गया, कस्टम ड्यूटी जो कैपिटल गुड इलेक्ट्रॉनिक्स पर था उसको बढ़ाया गया, सिलिका के प्रोडक्ट्स पे बढ़ाया गया, ताकि इंडिया में जो रॉ मटेरियल है वो आसानी से आ सके और यहाँ पर इनकी मैन्युफैक्चरिंग की जा सके, जिससे लोगों को जॉब मिले। ड्यूटीज हैव ऑल्सो बीन रेज्ड ऑन लेबर इंटेंसिव मैन्युफैक्चरर्स, मतलब कि लेबर इंटेंसिव जो सेक्टर्स थे वहां पर जो ड्यूटीज थी उनको भी बढ़ाया गया फॉरेन प्रोडक्ट्स पर, मतलब ऐसे प्रोडक्ट्स जो इंडिया में बनते हैं और जॉब प्रोवाइड करते हैं लाइक लेदर एंड टेक्सटाइल, तो उन पर यहाँ पर जो रॉ मटेरियल था वो सस्ता आ सके, इसके लिए बाहरी प्रोडक्ट्स पर ड्यूटी को बढ़ाया गया ताकि यहाँ की डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को इनकरेज किया जा सके। कुछ लोगों ने ये आर्ग्यूमेंट दिया कि ये तो 1991 वाला प्रोटेक्शनिज्म है जिसे हमें नहीं अपनाना चाहिए, जबकि हम क्रिटिसाइज करते हैं यूएसए और ऑस्ट्रेलिया को प्रोटेक्शनिज्म के फील्ड में, तो वही काम हम खुद कैसे कर सकते हैं। लेकिन आर्टिकल कहता है कि गलत परसेप्शन है, गलत परसेप्शन ये दो कारणों से है। पहला कारण तो ये है कि पास्ट में हमारी कंपनीज ने दंश झेला है, कैसे, जिस लिहाज से रिडक्शन किया गया टैरिफ में वो नहीं होना चाहिए था। पहले हम जो टैरिफ लगाते थे वो 150% था, हमने अचानक उसे 1999 में घटा के 40% कर दिया और 2007-08 में अचानक घटा के 10% कर दिया। इससे जो सडन डाउनफॉल हुआ, हमारी कंपनीज अपने आप को ढाल नहीं पाई इस माहौल में और इस वजह से वो कंपीट नहीं कर पाई। अगर ये जो रिडक्शन आप देख रहे हैं ये धीरे धीरे होता, 150 से 120 फिर 100 फिर 80 ऐसे होता, तो हमारी कंपनीज उस चीज को अपने माहौल में ढाल पाती और फिर वो अच्छे से कंपीट कर पाती। तो आज उन्हें आवश्यकता है कि थोड़ा बहुत प्रोटेक्शन दिया जाए। दूसरी बात कि कई सारे देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो रहा है, लाइक ईस्ट एशियन एंड साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज के साथ, जहां पर टैरिफ्स को और ज्यादा गिरा दिया जाता है, इससे हमारी कंपनीज को थर्ट पहुंच जाता है। तो थोड़े बहुत प्रोटेक्शनिज्म की आवश्यकता है और इसको क्रिटिसाइज किए जाने की आवश्यकता नहीं है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें थी। चाइनीज जॉब, इसकी बात करते हैं। देखिए, 2000 की बिगिनिंग में नंबर्स ऑफ दोज ज्वाइनिंग द लेबर फोर्स ग्रिव शार्पली टू 12 मिलियन पर एनम टिल 2004 एंड 5, मतलब जो लोग लेबर फोर्स में एंट्री कर रहे थे उनकी संख्या 12 मिलियन बढ़ गई। डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर एम्प्लॉयमेंट जो था वो इस ग्रोथ को एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा था, उनके पास कोई अल्टरनेटिव बचता नहीं था बजाय इसके कि वो एग्रीकल्चर और ट्रेडिशनल सर्विसेज में जाके जॉब करें। इससे हुआ ये कि इनफॉर्मल सेक्टर में जो एम्प्लॉयमेंट था वो बढ़ा। दो डेवलपमेंट 2004-05 के समय में जो हुई उसने कहीं ना कहीं हमें बचाया। पहली डेवलपमेंट ये थी कि पॉपुलेशन ग्रोथ नीचे गई, पॉपुलेशन ग्रोथ कम हुई। जब पॉपुलेशन ग्रोथ कम हुई तो लोगों ने कम जॉब की डिमांड करी, हालांकि हम जनरेट बहुत ज़्यादा नहीं कर पा रहे थे, फिर भी जॉब की डिमांड कम हुई जिससे हमें थोड़ी सी राहत मिली। दूसरा कि स्कूल एजुकेशन को हमने बढ़ावा दिया, सर्व शिक्षा अभियान चलाया गया जिससे ज़्यादातर बच्चे स्कूल में चले गए, जो बच्चे स्कूल में गए वो बाद में कॉलेजेस में भी गए, उन्होंने अपनी स्टडी कंटिन्यू करी और जो लोग स्टडी में थे उन्होंने जॉब की डिमांड नहीं करी। लेकिन देखिए अब क्या हो रहा है, अब जो लोग स्टडी में थे वो लोग अपनी स्टडी कंप्लीट कर चुके हैं और आज वो जॉब की डिमांड कर रहे हैं, जबकि हमारे पास जॉब्स नहीं है। रीसेंट डाटा ये बताता है, जैसे कि डेटा एनुअल लेबर ब्यूरो सर्वे का, जिसका डेटा एनएसएस से भी ज़्यादा ब्रॉड होता है, नेशनल सैंपल सर्वे से भी ब्रॉड होता है। इसके अलावा सेंट्रल फॉर मॉनिटरिंग ऑफ इंडियन इकोनॉमी,
ये जो डेटा है ये बताते हैं कि हम उतनी जॉब क्रिएट नहीं कर पा रहे हैं जितनी हमारे यहाँ डिमांड हो रही है। ठीक है, द शेयर ऑफ वर्क फोर्स इन एग्रीकल्चर हैज बीन फॉलिंग स्टीडली। अब देखिए, शुरू में तो ये हुआ कि जो एग्रीकल्चर में लेबर फोर्स था वो काफी तेजी से नीचे गिरा, 60% से 49% पे आ गया 11-12 में। लेकिन देखिए अब क्या हो रहा है, अब और भी ज्यादा चिंता की बात है, क्योंकि अब फिर से एग्रीकल्चर में जो जॉब है, पार्टिसिपेशन है, वो बढ़ रहा है। हालांकि एग्रीकल्चर में पार्टिसिपेशन बढ़े यूथ का, ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कब? जब वहां उन्हें फायदा हो रहा हो। मतलब अगर वो मजबूरी में एग्रीकल्चर में जा रहे हैं क्योंकि उन्हें वो जॉब मिल ही नहीं रही है जो चाहते हैं, वो जिसके लिए वो एलिजिबल हैं, तब वो मजबूरी में जा रहे हैं एग्रीकल्चर में, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये एक रेट्रोस्पेक्टिव डेवलपमेंट आप बोल सकते हैं, उल्टा विकास आप बोल सकते हैं। ठीक है, लुकिंग अहेड हमें कुछ और महत्वपूर्ण चीजों पर ध्यान देने की आवश्यकता है, जैसे कि जीएसटी के इंप्लीमेंट होने के बाद जो इंटर स्टेट कॉम्पोनेंट है, आईजीएसटी है, उसने कहीं ना कहीं जो आईडीएस था उसको न्यूट्रलाइज किया है, मतलब इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर को न्यूट्रलाइज किया है, उसके इफेक्ट को कम किया है, तो हमें इस चीज को बहुत अच्छे से रेगुलेट करने की आवश्यकता है। दूसरा, द रेजोल्यूशन ऑफ टिन बैलेंस शीट प्रॉब्लम। चूंकि बैंकिंग सेक्टर काफी स्ट्रेस में है, इसलिए वो फंड नहीं कर रहे हैं और नए नए जो प्रोजेक्ट्स हैं वो लॉन्च नहीं हो पा रहे हैं, दैट्स वाई जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन है उसमें कमी आ रही है। तो हम जल्दी से जल्दी ट्विन बैलेंस शीट की समस्या का समाधान करें। तीसरी बात कि इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्टसी कोड, इसको अच्छे से इंप्लीमेंट किया जाए। चौथी बात कि हमें कंज्यूमर डिमांड को इंक्रीज करना होगा, जिसके लिए हम एग्रीकल्चर और रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर पे फोकस कर सकते हैं। ये पांचवा पॉइंट है कि मैन्युफैक्चरिंग जो एक्सपोर्ट है वो नीचे जा रहा है। इसका एक महत्वपूर्ण कारण है कि जो रुपया है वो लगातार स्ट्रांग हो रहा है फॉरेन करेंसीज के कंपैरिजन में। अब ये समझिए कि अगर रुपया फॉरेन करेंसीज के कंपैरिजन में स्ट्रांग होता है तो एक्सपोर्ट को नुकसान कैसे होता है। सपोज करिए कि पहले एक डॉलर के इक्वल टू था 65 रुपीस, अब रुपया कमजोर था, अभी एक डॉलर के कंपैरिजन में रुपया की कीमत हो गई 60 रुपए, मतलब रुपया पावरफुल हो गया, स्ट्रेंथन हो गया। अब देखिए नुकसान कैसे होता है, एक डॉलर की कीमत का कोई प्रोडक्ट था जिसको हमारे मैन्युफैक्चरर ने किसी दूसरी कंट्री में बेचा, उसके बदले में उसे मिला एक डॉलर, लेकिन जब वो एक डॉलर इंडिया में आया तो हमारे मैन्युफैक्चरर को कितने रुपए मिले, 65 रुपए मिले। लेकिन अब जब रुपया स्ट्रांग हो गया है, मतलब एक डॉलर इक्वल टू 60 रुपीज हो गया है, अब वो वही एक डॉलर का सामान बेचता है तो जब उसे बाहर से एक डॉलर मिलता है तो यहां पर आकर वो 60 रुपया हो जाता है, मतलब उसे नुकसान हो रहा है। अगर रुपया अदर करेंसीज के कंपैरिजन में स्ट्रांग होता है तो मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्ट को नुकसान होता है, तो ये पॉइंट आप याद रखिएगा। देखिए अगर हम बात करें पर्पल पॉइंट्स फॉर बीन्स की, तो उसकी अब हमें आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता क्यों नहीं है, क्योंकि हमने अपने हिंदू के फॉर्मेट को बदल दिया है, अब हम चीजों को बेसिकली पॉइंट में ही रख रहे हैं। जैसे आप यहाँ पर विफॉर्ड के पॉइंट्स को देखिए तो काफी ब्रीफ में इन्हें रखा गया है, तो सारी चीजें अब ब्रीफ में है, पॉइंट वाइज है, ताकि आपको नोट्स बनाने की में आसानी हो, तो इस लिहाज से अब हमें उसकी आवश्यकता नहीं है, चीजें अब काफी सिंक्रोनाइज्ड हो चुकी हैं। ठीक है, अब आइए क्वेश्चन देखते हैं। इट इज ऑफन आर्ग्यूड दैट स्लो पेस ऑफ ग्रोथ इन एम्प्लॉयमेंट इज कॉज्ड बाय स्लो ग्रोथ इन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ स्लो ग्रोथ इन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर एंड हाउ कैन इट बी ओवरकम। मतलब मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जो स्लो ग्रोथ हमें देखने को मिल रही है उसका कारण क्या है, हम इसे कैसे ओवरकम कर सकते हैं। पॉइंट्स आपके पास हैं, आप इसका जवाब लिख सकते हैं। अगला आर्टिकल अ रोस्टर ऑफ क्वेश्चन पेपर 2 से टॉपिक को जोड़िए जुडिशरी वाले सेक्शन से। आर्टिकल कहता है कि कलेक्टिव डिसीजन लिया जाए, ये जुडिशरी के लिए काफी जरूरी है। आइए बात करते हैं। देखिए हमें एक इवेंट देखने को मिला जब 4 सीनियर मोस्ट जजेस सुप्रीम कोर्ट के मीडिया के सामने आते हैं और अपने कंसर्न्स रेज करते हैं, जिनमें नाम था जस्टिस जे चेलमेश्वर का, रंजन गोगोई का, मदन बी लोकुर और कुरियन जोसेफ का। अब देखिए इन्होंने कुछ कंसर्न्स रेज किए थे, उसमें एक महत्वपूर्ण कंसर्न ये था कि जो एलोकेशन किया जा रहा है केसेस का वो फेयरली नहीं किया जा रहा। जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है वो अपने मनमाने तरीके से जो केसेस हैं उनका एलोकेशन कर रहे हैं, उसमें फेयरनेस नहीं है। इस समस्या के समाधान के लिए कुछ प्रयास किए गए, वही बात यहाँ पर करी गई है कि जब ये जजेस निकलकर मीडिया के सामने आते हैं तो कुछ महत्वपूर्ण बातें जुडिशरी की हमारे सामने आती हैं, जिसने हमारे सामने कुछ सवाल रेस किए, जैसे कि वॉज दिस रोस्टर प्रिपेयर्ड इन कंसल्टेशन विद सीनियर जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, कि क्या सीजीआई को सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जजेस से कंसल्ट नहीं करना चाहिए। सेकेंड क्वेश्चन, हैव द केसेज बिन एलोकेटेड अकॉर्डिंग टू पार्टिकुलर जज एक्सपर्टीज इन द सब्जेक्ट मैटर, क्या केसेस को किसी जज की एक्सपर्टीज के बेसिस पर एलोकेट नहीं करना चाहिए, एलोकेट नहीं करना चाहिए। तीसरी बात, Has the allocation been done in keeping with the principle of procedure? क्या प्रोसीजर जो ट्रांसपेरेंसी, फेयरनेस और अकाउंटेबिलिटी का होता है उसके आधार पे केसेस को एलोकेट किया जा रहा है? ये कुछ सवाल हमारे सामने उभर कर सामने आते हैं। देखिए इन सवालों के जवाब में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दीपक मिश्रा ने कुछ नए मैकेनिज्म तैयार किए, उन्होंने कुछ फेयरनेस लाने का प्रयास किया, जिसके तहत उन्होंने क्लियर डिस्टिंक्शन किया। ऐसा पहली बार हुआ है सुप्रीम कोर्ट की हिस्ट्री में कि सब कुछ क्लियर किया गया है कि किस तरीके के केसेस को कौन सुनेगा। 1 फरवरी को उन्होंने ऐसा अनाउंसमेंट किया और ये जो एलोकेशन है ये 5 फरवरी से इफेक्टिव हो जाएगा, मतलब कि इफेक्टिव हो चुका है, आज 7 फरवरी है। देखिए इसमें उन्होंने बताया कि किस तरीके के केसेस को कौन सुनेगा।
चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने बताया कि कुछ महत्वपूर्ण केसेस उनके अंडर में सुने जाएंगे, लाइक स्पेशल लीव पिटीशन का अगर कोई केस है, ठीक है, पब्लिक इंटरेस्ट में कोई मैटर है, सोशल जस्टिस, इलेक्शन, आर्बिट्रेशन, क्रिमिनल मैटर्स, इन सभी मुद्दों पर अगर कोई भी केस है तो उसे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सुनेंगे। बाकी जो जजेस हैं उनके पास जो केस होंगे वो होंगे लेबर डिस्प्यूट के, टैक्सेशन मैटर्स के, कंपनसेशन मैटर के, कंज्यूमर प्रोटेक्शन मैटर, मैरिटाइम लॉ, मॉर्टगेज मैटर, पर्सनल लॉ मैटर्स, फैमिली लॉ मैटर्स एंड लैंड एक्विजिशन मैटर्स, सर्विस मैटर एंड कंपनी मैटर्स। तो ये सारे जो मैटर्स हैं ये सुने जाएंगे अदर जजेस के द्वारा। तो ये क्लियर डिस्टिंक्शन किया गया ताकि वो जो कॉन्फ्लिक्ट इमर्ज होकर आया था, जो कंसर्न्स थे चार सीनियर मोस्ट जजेस के, वो सॉर्ट आउट हो जाए, अब क्लियर हो जाए कि किस तरीके के जो केसेस हैं वो किनके द्वारा सुना जाएगा। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण बातें यहां पर हैं। देखिए, आर्टिकल इस बात पे अपनी कंसर्न्स रेज कहता है करता है, बोलता है ये जो ऑपरेशनलाइजेशन किया गया है 5 फरवरी से, यहां पर कुछ दिक्कतें हैं जिसके आधार पर इसको क्रिटिसाइज किया जा सकता है, जैसे कि रोस्टर एग्रीगेट ऑल इंपॉर्टेंट केसेस टू चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, मतलब सारे जो इंपॉर्टेंट केसेस हैं वो तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने अपने अंडर में कर लिए हैं, जैसे कि कोई भी पॉलिटिकल सेंसिटिव केस है, कोई भी फ्रेश पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन है, ये सारे केसेस तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ही सुनेंगे, जबकि जो मॉन्डेन केसेस हैं, साधारण केस हैं, वो बाकी जजेस को दे दिए गए हैं जिनका हो सकता है कोई पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस ना हो, और वैसे केसेस जो पॉलिटिकली सेंसिटिव हैं वो उनको दिए ही नहीं गए हैं। तो यहां पर क्रिटिसाइज किया जाता है इस पूरे सिस्टम को, और कहते हैं जो आर्टिकल लिखते हैं कि जस्टिस पीबी सावंत ने कहा था कि दैट इज अ कोर्ट ऑफ इक्वल्स, जहां जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होता है वो सीनियर अमंग इक्वल्स होता है, फर्स्ट अमंग इक्वल्स होता है, मतलब वो कोई स्पेशल व्यक्ति नहीं है, वो लोगों में फर्स्ट है, इसलिए उसको भी लगभग वैसी ही पावर होनी चाहिए। लेकिन वहां इस चीज को फॉलो नहीं किया गया है, सारे इंपॉर्टेंट केसेस अब सीजीआई के पास है, जबकि साधारण केसेस हैं बाकी अदर जजेस के पास। तो इनका यह कहना है कि जो प्रिंसिपल ऑफ न्यूट्रलिटी, इम्पार्शियलिटी और ट्रांसपेरेंसी है उसको अच्छी तरीके से फॉलो नहीं किया गया है, जबकि केसेस का अलॉटमेंट कुछ ऐसा होना चाहिए कि जो अनब्रिंडल्ड है, यानी स्वच्छंदता है, वो कम हो, लेकिन यहां पर वो कम होती नहीं दिख रही है। तो ये आर्टिकल में बातें करी गई हैं। वे फॉरवर्ड में कुछ बातें बताई जाती हैं जो आर्टिकल लिखते हैं उनके द्वारा, जैसे कि हमें इनडिसिप्लिन्ड एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए, अथॉरिटी का बेहतर तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए, अगर ऐसा नहीं होता है तो डेमोक्रेसी का कंप्लीट सबवर्जन हमें देखने को मिलेगा। दूसरा पॉइंट ये है कि जब भी केसेस को एलोकेट किया जाए तो जो जजेस हैं उनके एक्सपीरियंस और एक्सपर्टीज के बेसिस पर एलोकेट किया जाए। तीसरी बात ये है कि जो पॉलिटिकली सेंसिटिव मैटर्स हैं उन्हें 5 सीनियर जजेस की सुप्रीम कोर्ट की जो पैनल है उसे हियर करे, ना कि इसकी सोल अथॉरिटी सीजीआई के पास होनी चाहिए। चौथा महत्वपूर्ण ये बात बोलते हैं, ये कहते हैं कि कई बार लोग आर्गुमेंट देते हैं कि कोई, आप ये कैसे कह सकते हो कि जो 10वें नंबर पे जज है वो कम एक्सपर्ट है और जो दूसरे नंबर पे जज है वो ज्यादा एक्सपर्ट है। अगर कोई ऐसा आर्गुमेंट देता है तो फिर जो केसेस का एलोकेशन होना चाहिए वो रैंडम कंप्यूटर एलोकेशन के बेसिस पर होना चाहिए। रैंडम कंप्यूटर एलोकेशन का मतलब ये होता है कि आप किसी को पार्टिकुलरली नहीं बोलते हैं, अगर आप ये मानते हैं कि हर व्यक्ति कैपेबल है, कंपिटेंट है इस चीज को करने के लिए, तो आप रैंडमली उसका एलोकेशन करिए जिसमें हर जज के पास अपॉर्चुनिटी होती है कि वो केस उसके पास आ सकता है। ठीक है, तो ये 4 वे फॉरवर्ड इनके द्वारा बताया जाता है जो कि काफी अच्छा है, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। कंक्लूजन में कहा गया है, देखिए कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग की शुरुआत होती है 1993 से, जब कोलेजियम सिस्टम की शुरुआत होती है, तो एक अच्छी शुरुआत थी। तो इसी तरीके से जो एलोकेशन है केसेस का उसमें भी कलेक्टिवनेस को इंक्लूड करना चाहिए, ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी को एनहेंस करना चाहिए। अब एक प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आपके पास है, साइबर वॉरफेयर इज कंसीडर्ड बाय सम डिफेंस एनालिस्ट टू बी द लार्जर थ्रेट देन अलकायदा और टेररिज्म। साइबर वॉरफेयर को कई बार अलकायदा और टेररिज्म से भी खतरनाक माना जाता है। साइबर वॉरफेयर से आप क्या समझते हैं, साइबर थ्रेट इंडिया में कौन कौन से हैं और हमारे पास उससे लड़ने के लिए क्या तैयारी है, इसके बारे में आप बताइए। ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसका जवाब आप लोग जरूर दीजिएगा। एथिक्स पे चलते हैं, बात करते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस की। इमोशनल इंटेलिजेंस में अभी हम उसके मॉडल्स के बारे में चर्चा कर रहे थे, एबिलिटी मॉडल को हमने कल डिस्कस किया था, आज हम मिक्स्ड मॉडल और ट्रेट मॉडल के बारे में चर्चा करेंगे। आइए बात करते हैं मिक्स्ड मॉडल के बारे में। देखिए, मिक्स्ड मॉडल को इंट्रोड्यूस किया गया था डैनियल गोलमैन के द्वारा, जो कि एक साइकोलॉजिस्ट हैं। उन्होंने कहा कि जो इमोशनल इंटेलिजेंस होता है वो एक वाइड एरे होता है जहां पर कॉम्पिटेंसी और जो स्किल है वो ये शो करती है कि एक व्यक्ति के अंतर्गत या एक व्यक्ति में कितनी लीडरशिप परफॉर्मेंस की कैपेबिलिटी है। इट इज एसोसिएटेड विद इंटेलिजेंस एंड इमोशन। देखिए, जो मिक्स्ड मॉडल है इसमें कई सारे कंपोनेंट एक साथ मिलकर आते हैं, इंटेलिजेंस, इमोशन, सेल्फ अवेयरनेस, एम्पैथी एटसेट्रा, इसीलिए हम इसे मिक्स्ड मॉडल बोलते हैं। देखिए, मिक्स्ड मॉडल के कुछ कंपोनेंट्स होते हैं जिनके बारे में हमें जानना चाहिए। जो पहला कंपोनेंट है दैट इज सेल्फ अवेयरनेस। सेल्फ अवेयरनेस का मतलब यह है कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको यह पता होना चाहिए कि आपकी क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है, आप अपने बारे में समझ सकें, आपका जो इमोशनल इंटेलिजेंस है आप उसके बारे में अवेयर हों।
दैट इज सेल्फ अवेयरनेस कॉम्पोनेंट। दूसरा कॉम्पोनेंट है सेल्फ रेगुलेशन या मैनेजमेंट। अभी आप जानते हैं कि दैट इज द फैक्ट कि ये मेरी वीकनेस है, ये मेरी स्ट्रेंथ है। अब आप उस बात को लेकर अवेयर रहें और उसके हिसाब से अपने एक्शंस को रेगुलेट या मैनेज करने का प्रयास करें। तीसरी चीज है सोशल स्किल। सोशल स्किल का मतलब ये होता है कि आप अपने रिलेशनशिप को अपने इमोशनल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके मैनेज कैसे करते हैं। ठीक है, आप इसके मैनेजमेंट के लिए कुछ काम कर सकते हैं, जैसे कि आप अवेयर रहें इस चीज को लेकर कि जो आपकी वीकनेस है वो आपके सोशल एरेना में हैम्पर कर सकती है। तो अगर आप उस चीज से अवेयर रहेंगे तो जो आपकी सोशल रिलेशनशिप है वो अच्छी चलती रहेगी, मैनेज रहेगी। चौथी बात एम्पैथी। एम्पैथी का मतलब होता है कि अगर सामने वाले की जो सिचुएशन है आप उसे बिल्कुल उसी फेज में फील करें। आप इस चीज को अगर इनकलकेट करते हैं अपने इमोशनल इंटेलिजेंस के पार्ट के रूप में तो आप बाकी चीजों को बहुत अच्छी तरीके से मैनेज कर सकते हैं। एंड द लास्ट कंपोनेंट इज मोटिवेशन। इन सारे कामों को करने के लिए आपको मोटिवेशन की आवश्यकता होती है, तो आपके पास सेल्फ ड्रिवन मोटिवेशन होना चाहिए ताकि आप अचीवमेंट को गेन कर सकें। तो ये मिक्स्ड मॉडल के कुछ बेसिक कंपोनेंट्स हैं जिनके बारे में आप जानते रहिए। अगला जो मॉडल है वो है ट्रेट मॉडल। ट्रेट मॉडल, ट्रेट का मतलब होता है कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, ये मॉडल बात करता है सेल्फ इफिकेसी की, मतलब आप कितने कॉम्पिटेंट हैं, आप कितने कैपेबल हैं अपने इमोशनल इंटेलिजेंस में। द ट्रेट मॉडल ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस रेफर्स टू एन इंडिविजुअल सेल्फ परसेप्शन ऑफ देयर इमोशनल एबिलिटीज। दिस डेफिनेशन ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस इनकम्पासेस बिहेवियर डिस्पोजिशन एंड सेल्फ परसीव्ड एबिलिटी एंड इज मेजर्ड बाय सेल्फ रिपोर्ट। अब आपको इस बात को खुद ही एनालाइज करना होता है कि आपके अंदर कितनी कॉम्पिटेंसी है, कितनी एबिलिटी है, आप कितनी इफिशियंसी रखते हैं किसी भी इमोशनल सिचुएशन को डील करने के लिए। सो दैट इज ऑल अबाउट ट्रेट मॉडल। ठीक है, अब आइए हम इंटरव्यू के क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। आज आपका जो क्वेश्चन है वो ये है, शुड फॉर्म इनकम बी टैक्स्ड। अक्सर ये आर्ग्यूमेंट दिया जाता है कि कई सारे फॉर्म होल्डर्स हैं जिनके पास बहुत सारा पैसा होता है लेकिन उनको टैक्स नहीं किया जाता, तो क्या फॉर्म इनकम को टैक्स किया जाना चाहिए। आप इसका रेशनलाइज्ड जवाब दीजिए, इसको अच्छे आर्ग्यूमेंट के साथ सब्सटेंशिएट करने का प्रयास करिए। यहां पर जो हमारा डिस्कशन है वो समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस डिस्कशन।